वो कौन है जो राहुल गांधी को गुमराह कर रहा है? वो कौन है जो राहुल गांधी के राजनीतिक जीवन से खिलवाड़ कर रहा है? वो कौन है जो राहुल के ट्विटर हैंडल से रोजाना ट्वीट करता है? वो कौन है जो चाहता है कि इस देश का विपक्ष समाप्त हो जाए? आप पूछेंगे कि ऐसा क्या हो गया कि मैं ये सवाल पूछ रहा हूं। ये सवाल इसलिए क्योंकि इस देश का प्रधानमंत्री भी चाहता है कि देश में स्वस्थ लोकतंत्र के लिए ये जरूरी है कि विपक्ष भी मजबूती से अपनी जिम्मेदारी निभाए। लेकिन इन दिनों राहुल गांधी के ट्विटर हैंडल से जो कुछ लिखा जा रहा है, जो कुछ भी पोस्ट किया जा रहा है, वो किसी जिम्मेदार नेता का नहीं, बल्कि ऐसा लगता है कि वो सोशल मीडिया के किसी ट्रोल एजेंट का ट्विटर हैंडल है। आप पूछेंगे कि ट्रोल एजेंट क्या होता है? तो ट्रोल एजेंट, इसके बारे में ये माना जाता है कि एक ऐसा व्यक्ति जो संवाद की जगह विवाद और झगड़े पैदा करता है। मैं आपके सामने राहुल गांधी के कुछ ऐसे ट्वीट्स रखने वाला हूं जिसमें कोई तर्क नहीं होता, बल्कि वो सिर्फ और सिर्फ झूठ होता है, जो दूसरों को उकसाने, झगड़ा लगाने और विवाद पैदा करने के लिए किया जाता है। उसका सिर्फ एक ही मकसद होता है कि वो किसी भी तरीके से जनता की नजर में बने रहे। उनका कोई विजन नहीं है और ये उनके ट्वीट्स में दिखता भी है। साथियों नमस्कार, मैं हरीश चंद्र बर्णवाल। आज मैं आपको ये बताने वाला हूं कि राहुल गांधी किस प्रकार से एक ट्रोल एजेंट बनते जा रहे हैं। अब आप उनका कल का ही एक ट्वीट देख लीजिए। कल अमर जवान ज्योति को लेकर उन्होंने एक ट्वीट किया। देखिए क्या लिखा है। बहुत दुख की बात है, हमारे वीर जवानों के लिए जो अमर ज्योति जलती थी उसे आज बुझा दिया जाएगा। कुछ लोग देश प्रेम व बलिदान नहीं समझ सकते, कोई बात नहीं, हम अपने सैनिकों के लिए अमर जवान ज्योति एक बार फिर जलाएंगे। अब इस ट्वीट में उन्होंने साफ साफ ये बात लिखी है, देखिए, उसे आज बुझा दिया जाएगा जो अमर ज्योति जलती थी। अब राहुल गांधी ने अपने इस ट्वीट में झूठ को आधार बनाकर, सिर्फ झूठ को आधार बनाकर एक ऐसा विवाद पैदा किया जो दिन भर सोशल मीडिया और टीवी चैनलों पर विवाद का मुद्दा बना रहा। लेकिन सच्चाई क्या है ये आपको पता है, लेकिन फिर भी ये दिखाना चाहता हूँ। सच्चाई ये है कि इस ज्योति को नेशनल वॉर मेमोरियल की ज्योति के साथ मिला दिया गया। जिस प्रकार से राहुल गांधी ने ट्रोल किया दिन भर, उसके बाद ये न्यूज़पेपर और बाकी मीडिया के साइट्स में भी ये सारी चीज़ें आई। ओपोजिशन स्लैम सेंटर ओवर डिसीजन टू, अब इसमें देखिए ये क्या लिखा है। द फ्लेम ऑफ द अमर जवान ज्योति इज़ नॉट बीइंग एक्सटिंग्विश्ड, इट इज़ बीइंग मर्ज्ड विद द फ्लेम एट द नेशनल वॉर मेमोरियल। दूसरा NDTV का है ये की रिपोर्ट है। अमर जवान ज्योति की लौ बुझ नहीं रही है, बल्कि इसे राष्ट्रीय युद्ध स्मारक में जल रही ज्वाला में मिलाया जा रहा है। अब ये क्या है कि एक झूठ खड़ा किया गया, फिर उस झूठ के बाद पूरा विवाद पैदा किया गया, जिसके बाद मीडिया में ये सारी स्टोरीज प्रकाशित किए जाने की ज़रूरत पड़ी। अब देखिए कल के दिन ही एक बहुत बड़ी घटना हुई, बहुत बड़ी ऐतिहासिक घटना हुई। इंडिया गेट पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति लगाने का निर्णय लिया गया। लेकिन राहुल गांधी खुद को ट्रोल एजेंट की भूमिका से बाहर निकाल ही नहीं पाए और कांग्रेस के लिए नेताजी जिस प्रकार से अछूत रहे हैं शुरू से ही, आप उन आज़ादी के समय से ही देखिए, उसी प्रकार राहुल गांधी ने भी इस अवसर को अछूत ही बनाए रखा और इसको लेकर एक शब्द भी नहीं लिखा, जबकि अमर जवान ज्योति के लिए वो ट्रोल एजेंट की भूमिका में आ गए। ठीक इसी प्रकार 18 जनवरी को राहुल गांधी की ट्रोल एजेंट वाली सोच बाहर आ गई। इस दिन प्रधानमंत्री वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में वर्चुअली भाषण दे रहे थे, लेकिन तभी कुछ तकनीकी दिक्कतों के कारण लिंकिंग में प्रॉब्लम आ गई, लिंकिंग में एक तरीके से व्यवधान आ गया, जिसकी वजह से प्रधानमंत्री मोदी को कुछ क्षणों के लिए रुकना पड़ा, उन्हें अपना भाषण रोक देना पड़ा। और उनके रुकते ही राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री को ट्रोल करना शुरू कर दिया। अब देखिए ना क्या लिखा है, उन्होंने ट्वीट किया है, इतना झूठ टेलीप्रॉम्प्टर भी नहीं झेल पाया। लेकिन सच्चाई क्या थी? उन्होंने ट्रोल तो करना शुरू किया, लेकिन कुछ ही पल में सच्चाई भी सामने आ गई।
और ये एक सरासर झूठ था, क्योंकि ये दिक्कत टेलीप्रॉम्प्टर की तो थी ही नहीं। ये आप आर्टिकल देख पा रहे होंगे, इसमें इस तरह के लेख प्रकाशित करने पड़े कि मोदीज वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम स्पीच इंटरप्शन वॉज नॉट ड्यू टू टेलीप्रॉम्प्टर ग्लिच। ठीक इसी प्रकार चीन के मुद्दे पर राहुल गांधी ट्रोल करते हैं, और ये समय है 4 जनवरी को राहुल गांधी ने एक ट्वीट किया। इसमें प्रधानमंत्री को इसलिए ट्रोल किया क्योंकि भारत चीन बॉर्डर पर, मतलब चीन कुछ चीनी लोग सेना की वर्दी में अपने बॉर्डर पर झंडा लहरा रहे थे। अब इस मुद्दे पर कोई रिसर्च नहीं, कोई जांच परख नहीं, बस सीधे राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी पर ही निशाना साध दिया। देखिए क्या लिखा उन्होंने, पीएम्स साइलेंस इज डेफनिंग, आर लैंड आर पीपल आर बॉर्डर्स डिजर्व बेटर। जबकि सच्चाई क्या थी, एक तो ये कि चीनी आर्मी की वेशभूषा वाले लोग ओरिजिनल सैनिक नहीं थे, बल्कि वो कलाकार थे, फिल्मी कलाकार थे, और दूसरी ये कि वे अपनी जमीन पर ही ऐसा कर रहे थे। अब इस संदर्भ में भी कई रिपोर्ट प्रकाशित हुई है, आप ये देख सकते हैं, ये रिपब्लिक वर्ल्ड की है रिपोर्ट, और ये TV9 भारतवर्ष की, चीन की साजिश का पर्दाफाश, गलवान में झंडा फहराने का वीडियो निकला फेक, जानिए क्या है पूरी सच्चाई। अब राहुल गांधी ने अचानक से, मतलब एक ट्रोल व्यक्ति की तरह, उन्होंने तुरंत प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साध दिया। मीडिया वालों ने इसकी खोजबीन की, जांच परख की, तो पता चला ये गलत है। राहुल गांधी को भी इसका एहसास हो गया, तो फिर मतलब लीपापोती करने के लिए उन्हें ये ट्वीट भी करना पड़ा। आप ये ट्वीट देख लीजिए, फिर ये राष्ट्रभक्ति वाला ट्वीट उन्हें करना पड़ा। सवाल ये है कि वो ऐसा ट्वीट करते क्यों हैं जिसमें उन्हें खुद अपनी गलती का एहसास हो जाता है। अब राहुल गांधी के सेंट्रल विस्टा पर किए गए इस ट्वीट को देखिए। इस ट्वीट में झूठे आरोपों को लगाकर उन्होंने खूब ट्रोल किया, और जब बात फिर भी नहीं बनी तो उन्होंने सेंट्रल विस्टा को प्रधानमंत्री मोदी का निजी व्यक्तिगत आवास तक बता दिया। देखिए उनका ये ट्वीट क्या है, 7 मई को उन्होंने किया है, सेंट्रल विस्टा इज क्रिमिनल वेस्टेज, पुट पीपल्स लाइव एट द सेंटर, नॉट योर ब्लाइंड एरोगेंस टू गेट ए न्यू हाउस। अब सच्चाई क्या है, ये भी सबके सामने आ गया। सेंट्रल विस्टा, पहली बात तो ये है कि सेंट्रल विस्टा को प्रधानमंत्री का आवास बताना भी देश का अपमान है, क्योंकि ये तो देश की होने वाली एक धरोहर है, ये रिपोर्ट में भी देख सकते हैं। फिर दूसरी बात ये है कि सेंट्रल विस्टा की जरूरत कांग्रेस की सरकारों के समय ही महसूस की गई थी। इस संदर्भ में कई रिपोर्ट है जहां ये यूपीए की जब सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी, तब ये कहा गया था कि अब देश को नए संसद भवन की, सेंट्रल विस्टा की जरूरत है, जो प्रधानमंत्री मोदी कर रहे हैं। और तीसरी बात ये है कि जब राहुल गांधी सेंट्रल विस्टा के बारे में आरोप लगाते हुए प्रधानमंत्री के आवास की चर्चा करते हैं, तब वो ये भूल जाते हैं कि प्रधानमंत्री के आवास से भी बड़े और आलिशान बंगले में आज भी गांधी परिवार रहता है। जी हाँ, ये सुनकर आपको आश्चर्य हो सकता है, लेकिन ये रिपोर्ट है, प्रधानमंत्री आवास से भी बड़ा है सोनिया गांधी का घर 10 जनपद। और गौर करने वाली बात ये भी है कि इस झूठ को लेकर ये लोग सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गए। सेंट्रल विस्टा पर इन्होंने कई सारे झूठे आरोप लगाए, फेक न्यूज़ और तमाम तरीके से विवादों को खड़ा किया, और जब इनसे बात नहीं बनी तो ये लोग इन्हीं झूठे आरोपों को लेकर सुप्रीम कोर्ट भी पहुंच गए। सुप्रीम कोर्ट ने इसकी जांच करवाई, और तमाम सबूतों के आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने भी इसकी ज़रूरत को महसूस किया और फिर इसे हरी झंडी दे दी। अब राहुल गांधी के इस ट्वीट पर आइए। राहुल गांधी व्यक्तिगत रूप से भी प्रधानमंत्री मोदी पर ट्रोल करने में पीछे नहीं रहते हैं। देखिए क्या लिखा है, चौकीदार चोर है। अब इस ट्वीट का क्या मतलब है, मतलब आप एकदम निजी तौर पर प्रधानमंत्री पर आरोप लगा रहे हैं, और वो भी बिना किसी तर्क या सबूत के। और जब अब राहुल गांधी को इस ट्रोल के लिए माफ़ी तक मांगनी पड़ी,
और वो भी सुप्रीम कोर्ट के सामने हलफनामा देखकर। आप ये रिपोर्ट में भी देख सकते हैं, NDTV की ये रिपोर्ट है, राहुल गांधी एपोलॉजी फॉर चौकीदार चोर है क्लेम एक्सेप्टेड ही, और उन्हें इसकी चेतावनी भी दी गई। लेकिन राहुल गांधी फिर भी नहीं सुधरे, वो एक सीरियल ट्रोल एजेंट की तरह काम करते रहे। अब जरा ये ट्वीट देखिए, क्या इससे किसी नीतिगत मुद्दे की जानकारी मिलती है? लेकिन बस ट्रोल करना है तो कुछ भी लिख दो। नरेंद्र मोदी इज एक्चुअली सरेंडर मोदी। आपको कहीं से कुछ भी, कोई तर्क, कोई आधार, कोई ऐसी बात निकल कर आ रही है जिससे आप इस सरकार की आलोचना कर सकें? तो राहुल गांधी एक्चुअली एक ट्रोल एजेंट की तरह काम कर रहे हैं, ये इस ट्वीट से भी पता चलता है। राहुल गांधी के ट्वीट में, उसके ट्रोल में सोच भी बहुत सतही होती है। आज पूरी दुनिया जानती है कि भारत ने वैक्सीन को लेकर कितना बड़ा काम किया है। मतलब न भूतो न भविष्यति, न भारत ने इससे पहले ऐसा शानदार काम किया है, ना अब भी आज तक दुनिया के का कोई भी देश इस प्रकार का काम कर पाया है। लेकिन राहुल गांधी क्या लिख रहे हैं ये देखिए, इंडिया नीड्स वैक्सीन मिस्टर लाइंग मशीन। अब पूरी दुनिया ये सोचकर हैरान है कि भारत ने इतने कम समय में 160 करोड़ से अधिक वैक्सीन कैसे लगा दी। लेकिन राहुल जी तो पीएम मोदी को मिस्टर लाइंग मशीन बता रहे हैं, अब इस बात के लिए क्या कहा जाए। अब ये ट्वीट देखिए, जरा सोचिए कि इस ट्वीट में क्या लिखा है। क्या देश की सबसे पुरानी पार्टी का सबसे ऊंचा नेता ऐसा ट्वीट कर सकता है? देखिए इस ट्वीट को, मतलब कुछ तो अपनी डिग्निटी का एहसास होना चाहिए, कोई तो मुद्दा होना चाहिए, कुछ तो जनता के सामने आपको विजन पेश करना चाहिए। अब ये ट्वीट देखिए, रोहित वेमुला के बारे में किस प्रकार आज भी राहुल गांधी भ्रम और झूठ के सहारे ट्रोल कर रहे हैं। ये ट्वीट 17 जनवरी का है और इसमें रोहित वेमुला के मुद्दे को उठाया गया है, और ऐसा लगता है कि राहुल गांधी के मन में जो कुछ भी आया वो उन्होंने लिख दिया। जबकि कुछ ही साल पहले ये साफ हो गया था कि रोहित वेमुला ने व्यक्तिगत कारणों से आत्महत्या की थी, और इसकी रिपोर्ट कई साल पहले सभी मीडिया संस्थानों में प्रकाशित हो चुकी है। अब इस ट्वीट को पढ़कर क्या आप इस देश में स्वस्थ लोकतंत्र की कल्पना कर सकते हैं? क्या विपक्ष का नेता ऐसी ओछी भाषा का प्रयोग कर सकता है या करना चाहिए? क्या लिखा है, जुमलों की सरकार है, झूठ ढोंग दिखावा अपार है, देश को अब झोला उठने का इंतजार है। मतलब जिसका कोई मतलब बेसिर पैर की बातें। हमारे देश के लिए इससे ज्यादा शर्मनाक बात और क्या हो सकती है कि इस देश की सबसे पुरानी पार्टी के नेता का ट्विटर अकाउंट, एक विदेशी कंपनी का एक छोटा सा कर्मचारी झूठ बोलने के कारण लॉक कर देता है, सस्पेंड कर देता है। लेकिन फिर भी राहुल गांधी नहीं सुधरते। किसी भी देश का लोकतंत्र तभी स्वस्थ और सुरक्षित रहता है जब विपक्ष सरकार की नीतियों और उसके कार्यों की आलोचना तर्क के आधार पर करे, और विपक्ष सरकार को अपने तर्क सुनने के लिए मजबूर करे, उसे मानने के लिए विवश कर दे। लेकिन राहुल गांधी ने आज अपनी सोच को ट्रोल एजेंट की मानसिकता में कैद कर लिया है। उन्होंने खुद को एक ट्रोल एजेंट बना लिया है, और यही वजह है कि विपक्ष के इस नेता को आज सरकार भी गंभीरता से नहीं लेती। मैं राहुल गांधी जी जो ट्वीट करते हैं और कहते हैं, मैं ज्यादा सीरियस नहीं लेता। राहुल गांधी को इस देश में स्वस्थ लोकतंत्र बचाए रखने के लिए इस पर गंभीरता से विचार करने की जरूरत है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे विनम्र निवेदन है कि आप मेरे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट भी कीजिए, ताकि आपके विचारों से मैं अवगत होता रहूं।